उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई मुंडा पांडे के तत्वावधान में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बीआरसी पर शिक्षक और शिक्षिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का आगाज कर रहे ब्लॉक अध्यक्ष संजय सिंह ने मंच से बोलते हुए कहा कि हमारे नए साथियों पर नवीन पेंशन योजना जबरन थोपी गई है, जबकि हमारे जनप्रतिनिधि दो पुरानी पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आकस्मिक अवकाश को ऑनलाइन लेना सभी शिक्षकों पर शासन का जुर्म है। शासन द्वारा ना तो लैपटॉप और मोबाइल पर डाटा उपलब्ध कराया गया है, फिर भी ऑनलाइन ट्रेनिंग व ऑनलाइन इत्यादि कार्य थोपे गए हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्लॉक इकाई मोहम्मद हारून मुंडा पांडे ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अपने विचार रखे और कहा कि अगर मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं मोहम्मद हारून, प्रधानाध्यापक प्राथमिक शिक्षक संघ प्राथमिक विद्यालय सरसखेड़ा जी। और आज जो है सरकार से ये मांग की गई है, प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से हमारी 21 सूत्रीय मांग है। 21 सूत्रीय मांगों में सबसे पहली जो मुख्य मांग है वो है हमारी पुरानी पेंशन। दूसरी मांग है, और बहुत सी मांगें हैं, जिसमें एक मांग ये है कि शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए। रसोइयों को 1500 रुपये महीना मिलते हैं और उनको 10,000 रुपये महीना मिलने चाहिए। और बहुत सी ऐसी मांगें हैं जिस मांगों को लेकर के आज ये धरना बीआरसी केंद्र मुंडा पांडे पर किया गया है। अच्छा, मांग पूरी नहीं थी, आगे भी यही प्रोग्राम चलेंगे आपके या फिर क्या? अभी ये ब्लॉक लेवल का धरना है, उसके बाद में हमारा जिला लेवल का धरना, उसके बाद आगे भी जैसे जैसे हमें प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देश मिलते रहेंगे हम धरना का कार्यक्रम करते रहेंगे। आज मुंडा पांडे में है या पूरे मुरादाबाद जिले में? कहाँ? आज पूरे मुरादाबाद जिले में हर ब्लॉक केंद्र बीआरसी केंद्र पर ये धरना का प्रदर्शन हो रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ मुंडा पांडे जी, आज हम 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सरकार के विरोध में बैठे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे जो नए साथी हैं उन्हें एनपीएस की बात करते हैं और अपने आप तीन पेंशन ले रहे हैं, क्या मतलब है? अगर तीन पुरानी पेंशन इतनी ही खराब है तो कृपया आप छोड़ें और नए साथियों को हमारी पुरानी पेंशन दे दें, अन्यथा आप भी एनपीएस स्वीकार करें। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा क्या है, आप तीन पेंशन लेंगे और हमें एक नहीं देंगे, और हमें नहीं देंगे उसका भी कोई वजूद नहीं है। और वो बिल्कुल पूरी तरह से मार्केट पर आधारित पेंशन प्लान है, जिससे हमें पता ही नहीं है कि हमें जो हम रिटायरमेंट होंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसलिए हम सरकार के विरोध में बैठे हैं, पूरे ब्लॉक कार्यालयों में, जनपद के पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन जारी है सरकार।